हर बार चुनाव उसके अधिकारों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसे पढ़ाने और उसे बचाने के लिए जीता और हारा जाता है। पर पता नहीं क्या कारण है कि वो हर बार हारी जाती है। दावे तो हर राजनीतिक पार्टी हर रोज करती है, पर वो बेकसूर बेटी हर रोज मारी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज और मेरा नाम है गुलशन वर्मा। बिहार के तिसौता वैशाली की रहने वाली 20 वर्षीय एक दलित लड़की जिसे दबंग बंदूक की नोक पर उसकी माँ के सामने उठाकर ले गए थे, ये बोलकर कि दो दिन में वापस छोड़ देंगे, उस लड़की का शव नाले में तैरता हुआ मिलता है। परिवारजनों ने जो शिकायत दर्ज करवाई उसमें साफ है कि जब लड़की शौचालय जा रही थी तभी उसका जबरन दबंगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। शिकायत पत्र में लड़की के परिवार ने 10 लोगों के बारे में पुलिस को सूचित किया है। अनुराग कुमार, राकेश चौधरी, मनोज कुमार, अंशु कुमार और 6 अज्ञात व्यक्ति इस पूरी वारदात में शामिल थे। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां शराब बैन है, लेकिन लड़कियां बच्चियां सुरक्षित नहीं है। पुलिस दरअसल नेताओं की चापलूसी में व्यस्त है और प्रशासन शासन की देखरेख में। देश में एक से एक नारा बुलंद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसी बीच कुछ पार्टियां हर महिला को 1,000 रुपए प्रति महीना देने का वादा भी कर रही हैं। महिला, नारी, लड़की, ये सब वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हर नेता वोट मांगता है। लेकिन एक बार सोचिए, आखिर क्या कारण है कि सरकार और विपक्ष दोनों महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कहते हैं फिर भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध कम नहीं होते, उल्टा बढ़ते हैं। दुष्कर्म करने वालों के लिए हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन क्या कभी जनता ने किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया है कि उसने समय पर FIR दर्ज क्यों नहीं की? क्या कभी जनता ने अपने विधायक से या सांसद से यह जवाब मांगा है कि आपके चुनाव में जीतने के बाद भी दुष्कर्म क्यों नहीं रुके? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारे देश के हर नेता का मकसद बन गया है। मीडिया के लिए दुष्कर्म का जघन्य अपराध सिर्फ चैनल को नंबर 1 बनाने का एक जरिया बन गया है। बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के साथ साथ वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए बेटियों की सुरक्षा देने का वादा तो किया था पर उस वादे को निभा नहीं पाए। पूरे मुद्दे पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।